ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित दो वीडियो या दो सेशन बोल सकते हैं हम लोगों ने लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है ट्रिग्नोमेट्री का एक ही कॉन्सेप्ट है, वो बार बार हम रिमाइंड कर रहे हैं कि आप इत्मीनान से आइडेंटिटीज़ और रेशियो के फार्मूले ज़रूर लर्न कर लें। विदाउट फार्मूले आप उतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते हैं जितना एक्सपेक्टेशन आपको हमसे है। हम लोग क्या करेंगे आज, कुछ क्वेश्चंस जो बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपके सामने आएंगे कभी भी, या जब भी आप क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को आप देखते हैं तो उनमें से लगभग ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपको परेशान करते हैं। एकदम इत्मीनान से इस क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर जब भी पावर अनबैलेंस हो, जैसे कि पावर यहाँ पे 2 है यहाँ पावर 4 है, तो ऐसे क्वेश्चंस करना बच्चे के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है और उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का ही ये क्वेश्चन हो सकता है, कह सकते हैं कि किस इंटरवल में लाई कर रही है। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा है, दोनों में से किसी एक के टर्म में हम लोग एक्सप्रेशन को लाएंगे। तो हमें आसान कॉस के टर्म में बहुत आसान रहेगा, तो हम यहाँ देखते हैं कि इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या मान लिया हमने, टी, तो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। परफेक्ट स्क्वायर एक बार हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आप परफेक्ट स्क्वायर कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसका कोफिशेंट, टी का कोफिशेंट देखेंगे तो इसका कोफिशेंट माइनस 1 है, उसका हाफ माइनस 1/2 और उसका स्क्वायर 1/4। देखें, ध्यान दें, जब भी आपको क्वाड्रेटिक दी गई हो तो टी के साथ जो भी कोफिशेंट हो, तो यहाँ पे बाय चांस माइनस 1 है, उसका आप आधा करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, उतना ही जोड़ेंगे और उतना ही घटाएंगे। तो यहाँ देखें, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1/4 प्लस 1 माइनस 1/4, तो इतना परफेक्ट स्क्वायर में जाएगा टी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ देखें तो 3/4। अब हम लोग क्या करेंगे, टी के प्लेस पर कॉस स्क्वायर थीटा माना था, तो वापस कॉस स्क्वायर थीटा में जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 3/4। इतना तो बेसिक हमने सीखा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से सीखा। अब हम लोग आंसर कैसे मैच कराएंगे, ये इम्पॉर्टेंट बात है। कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा लाई करती है 1 और माइनस 1 के बीच में, ध्यान देने वाली बात है। कॉस थीटा हो या साइन थीटा हो, 1 और माइनस 1 के बीच में लाई करेगा। जब भी इसका स्क्वायर करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दें कि ये माइनस 1 है, तो आप 0 से लेके 1 तक, जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि एक्स जो लाई करें माइनस ए से लेके ए तक, तो आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर लाई करेगा ए स्क्वायर से लेके 0 तक, ये आप एज अ फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, उसको आपने यहाँ ध्यान दिया। अब हम लोग इसको मैच कराते जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा पे गए हम लोग, अब माइनस 1/2 करेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 करेंगे तो बोथ साइड होगा, तो इधर माइनस 1/2 हुआ और 1 माइनस 1/2 हुआ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है, फिर से हम स्क्वायर करेंगे, तो पहले देख लें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2, यहाँ पे आया माइनस 1/2 और यहाँ पे आ गया 1/2, अगेन स्क्वायर करना है हमें, वही बात फिर से आ गई, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया 0, यहाँ आ गया 1/4, फिर उसमें कितना जोड़ना है, 3/4 जोड़ेंगे, तो इसमें 3/4 ऐड करेंगे, 3/4 आ जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर,
प्लस थ्री बाई फोर, तो यहाँ पर भी वन वन बाई फोर प्लस थ्री बाई फोर, तो यहाँ आया थ्री बाई फोर। और देखो ये पहले से शुरुआत में क्या माना था इसको, ए माना था, ए आया और यहाँ पे आ गया वन, तो आंसर कोई ना कोई मैच किया होगा, देखा जाए तो बी ऑप्शन मैच कर गया। जिस बात को ध्यान देना था उस बात को हमने ध्यान दिया यहाँ पर, और इतना से क्वेश्चन को आप जब करेंगे इसी कॉन्सेप्ट को आप लगाएंगे तो सारे क्वेश्चंस, लगभग सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। पहले वाले क्वेश्चन की तरह एक और क्वेश्चन लिया है, और इस क्वेश्चन से हम लोग ये प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, मैंने बोला कि शुरुआत में एज अ जब बिगनिंग लेवल पे ये पता है कि ऐसे क्वेश्चंस जब भी स्टूडेंट शुरुआत में देखता है तो स्किप करने का मन करता है, मगर एग्जामिनर जब भी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम की बात की जाएगी, अच्छे एग्ज़ाम की बात की जाएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक और रेशियो की बात की जाएगी, तो ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं, क्योंकि आपकी आदत है स्किप करना, उनकी आदत है बार बार देना। तो आप ध्यान रखें कि आप डरे नहीं, जैसे शुरुआत फिर से इस बार करेंगे आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर भी हम लोग पहले इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब और कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, मैंने बोला कि कोई ना कोई फार्मूला वो देगा, जैसे वहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बना रहे थे, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें पता ही है ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लोग एक्सप्रेस करने जा रहे हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी और ए प्लस बी। यहाँ पे हम लोग एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा बराबर क्या यूज़ करेंगे, वन, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको ए माना इसको बी माना तो हमने रिप्लेस कर दिया, ये क्या हुआ वन, ये भी क्या हुआ वन, तो वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो हमने फॉर्मूले को यूज़ किया है। अब हमें टू साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है साइन टू एक्स, यहाँ पे पहुँचना है, तो हम लोग क्या करें, यहाँ देखिए वन माइनस थ्री बाई फोर कर दें तो टू साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा वन माइनस थ्री बाई फोर साइन स्क्वायर टू एक्स। अब इस एक्सप्रेशन को हम लोग इतना से सॉल्व करेंगे क्योंकि यहीं पर हमें से परेशानी होती है, इसको हम लोग एक बार आराम से इसको देखते हैं, ठीक है। सॉल्व करने के बाद जो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिस इम्पॉर्टेंट पार्ट पर हम लोग फंस जाते हैं, थोड़ा सा स्किप करते हैं, वहीं पर इतना से हम लोग ध्यान देंगे। देखा जाए तो हमें पता है कि साइन एक्स वन और माइनस वन के बीच में लाई करता है, अगर हम साइन एक्स की जगह साइन टू एक्स क्यों ना कर दें, वैल्यू अभी वन और माइनस वन के बीच में लाई करेगी। अब हमने एक बात बोली थी कि अगर साइन एक्स वन और माइनस वन के बीच में दिया गया है, ऐसे दिया गया, अब स्क्वायर करने वाले हैं, तो जब भी आप ऐसा स्क्वायर करिए इसको ज़ीरो कर दीजिए, इसका स्क्वायर तो वन ही होता है। अब हमें थ्री बाई फोर पर जाना है, हम इसको ऑब्जर्व करते रहें, तो थ्री बाई फोर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमने थ्री बाई फोर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ज़ीरो में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ज़ीरो, यहाँ पे करेंगे तो थ्री बाई फोर आ जाएगा। हम अपने एक्सप्रेशन में धीमे धीमे जो हमें के की वैल्यू चाहिए वहाँ पर बढ़ रहे हैं, पहले हमने साइन टू एक्स लिया उसका स्क्वायर किया फिर थ्री बाई फोर किया, अब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब भी आप ध्यान दें कि एक्स ए और बी के बीच में लाई करता है तो माइनस एक्स करेंगे, इनइक्वालिटी को आप क्या करिए, साइन को रिवर्स मत करिए, इस वाले को आप यहाँ लाइए साइन के साथ माइनस के साथ, इस वाले को इधर आइए, बस आप इंटरचेंज कर दीजिए साइन, तो हम माइनस थ्री बाई फोर करने वाले हैं साइन स्क्वायर टू एक्स, तो बताएगी बात
कि इसके साइन को चेंज करके अपोजिट करके आप यहाँ लाइए, इसके साइन को चेंज करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब एक्सप्रेशन में देखिए यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, अब हमें क्या करना है, केवल वन ऐड करना है। जब भी हम यहाँ पे वन ऐड करेंगे, ध्यान देंगे, ध्यान से वन ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी वन को ऐड करेंगे और यहाँ पर भी वन को ऐड करेंगे, तो वन को ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, वन बाई फोर, और ये हमारा जो अब ये k के बराबर है और यहाँ पे वन, तो वन बाई फोर और वन किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने दोनों क्वेश्चंस पे ध्यान दिया है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हो पा रहे तो आप हमारे तक पहुँचाइए, आगे हम लोग उस पर देखेंगे। एक दो एक क्वेश्चन और हम लोग ले रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में बार बार एक रिमाइंड एक बात बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कोर पॉइंट है आपका फार्मूला लर्निंग, आप उसको एक की नोट्स बना लीजिए और उनको लर्न करते जाइए। मैंने बोला कि एक फार्मूला ही है 2+2=4, ऐसे ही आपको सारे फार्मूले लर्न करने हैं बाय गॉड, फिर उसके बाद आपको इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। फिर भी यहाँ पर जो क्वेश्चन हम यहाँ ले रहे हैं, जो बताए जा रहे हैं, वो कोर क्वेश्चन हैं। आप मिलते जुलते क्वेश्चंस, उस लेवल के क्वेश्चंस को आपको करना है। जैसे यहाँ पे अभी दो क्वेश्चन लिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपको उनके कॉन्सेप्ट को समझना होगा और वैसे करने होंगे, उस पर कंफर्टेबल होना होगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस आते हैं, आप जब एग्ज़ाम के पेपर देखेंगे तो आते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। एक ऐसे क्वेश्चन हमने यहाँ लिया, इस पर इस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस बहुत सारे मिलते हैं। यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सप्रेशंस को वो चेंज कर देता है, काफ़ी सारे 5-6 टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इसी कॉन्सेप्ट पे। करते क्या है कि यहाँ पे दिया गया है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, देन इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कर देगा, कुछ और चेंज कर देगा, तो हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, जो एक्सप्रेशन हमें दिया गया है उसी को हम लोग ले रहे हैं। बहुत तरीके हैं, बस जिस तरीके से हम फॉलो कर रहे हैं आप ध्यान दें उसको। ये एक्सप्रेशन हमें दिया गया, हमने इसको क्या किया, साइन एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर दिया, आगे फिर बढ़ाया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स हुआ, फिर अगेन हमने स्क्वायर कर दिया, क्या कर दिया इसको, अगेन स्क्वायर किया, तो यहाँ पे क्या आया, साइन स्क्वायर एक्स आ गया, अगेन स्क्वायर करने से कॉस की पावर 4x आ गया। यहाँ पे वन साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया और कॉस की पावर 4x। तो ये एक्सप्रेशन हमें फाइनली क्या मिला, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x बराबर 1। देखें ये इधर जाएगा तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4 बराबर 1, इतना आ गया। मतलब ऐसे क्वेश्चन में आपको इसी वाली एक्सप्रेशन जो दी गई है उसको आप अपने तरीके से बढ़ा के यहाँ पे ले आएंगे, ठीक। कॉस की पावर 4 और कॉस स्क्वायर में जाना है तो वहाँ जाएंगे। यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो हमने बोला कि आप जब क्वेश्चंस के प्रैक्टिस बुक में जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ से हिंट मिल रहा है कॉस की पावर 12, तो कॉस की पावर 12 क्या करने पर आएगा ये आपको देखना है। अगर कॉस की पावर 8 है तो क्या करने पर आएगा वो आपको देखना है। तो 12 करने पर क्या करने पर आएगा वो अभी देखो आपको दिख जाएगा, क्या करने पर आएगा, क्यूब करने पर आएगा, क्या करने पर आएगा, क्यूब करने। मैंने बोला कि कॉस की पावर 12 दिया गया तो क्यूब किया गया, अगर 8 दिया होता तो स्क्वायर करते। अब ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब तो आपको पता ही होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, इसको हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, इसको एक्सपेंड कर दे रहे हैं। तो ए क्यूब मतलब कॉस की पावर 12x, बी क्यू मतलब कॉस की पावर 6x, 3ab मतलब कॉस की पावर 4x कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे कॉस की पावर 4x कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, ठीक है। अभी हमने केवल फॉर्मूला लगाया, इसको ओपन कर रहे हैं हम लोग, कॉस की पावर 12x कॉस की पावर 6x, यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर कॉस की पावर 4x और कॉस स्क्वायर एक्स पावर ऐड होंगी, कॉस की पावर 6x हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगी, तो यहाँ पे आया कॉस की पावर 10x पहला टर्म। अब देखो यहाँ 6 हुआ था, 6 और प्लस 2
8, तो 3 cos की पावर 8x बराबर 1, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं, तो cos की पावर 12x प्लस 3 cos की पावर 10x प्लस 3 cos की पावर 8x प्लस cos की पावर 6x, x की वैल्यू क्या आई, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमने क्या निकाली, 1, तो यहाँ देखिए क्या आया, 1 माइनस 1 क्या आ गया, 0, मतलब सिमिलर डेक्टो मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बस थोड़ा सा ही चेंज होगा, थोड़ा सा तब्दीली होगी, ये आपको पकड़ना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, रटना नहीं होगा, एक ही दो बातें हमने बोली, आपको फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से लर्न करने हैं और जो कॉन्सेप्ट जो पैटर्न आ रहे हैं उन पे आधारित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर एक दो और लेक्चर्स लेंगे, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, बाकी प्रैक्टिस ट्रिग्नोमेट्री की आपको ही करनी होगी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर जो भी आपको रिव्यूज जनरेट हो रहे हो, कोई कमेंट, आप कमेंट जरूर लिखिए, हमारा उद्देश्य बिल्कुल ये नहीं है कि आप वहाँ पर पढ़ाई लिखें, हम उन पे फोकस है जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करने के दौरान इस लेक्चर को सुनने के दौरान आपको कहाँ पर अपडेशन और क्या रिक्वायरमेंट है, अगर आप पढ़ते हैं और बिल्कुल साइलेंट होके ना अपनी आप रिक्वायरमेंट बता पा रहे हैं, ना अपनी एक्सपेक्टेशन बता पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, कम्युनिकेशन अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर हम समझ नहीं पाएंगे आपको रिक्वायरमेंट क्या है। हमने बोला कि यहाँ पे ये कंसर्न नहीं है कि आप हमारी तारीफ ना करें, मगर आपको कुछ लेना है तो आपको वहाँ पर ये मैसेज ज़रूर देना होगा कि आपको क्या और डिमांड है और कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, ये कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि आप उसको वहाँ पे लिखेंगे।